देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों एक हकीकत, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने मुझे और मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया कि क्या उस रात मैंने जो देखा था वो सच था या सिर्फ मेरा वहम। सुनने वाले भले इसे एक मनगढ़ंत कहानी मान लें, लेकिन वो कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वही उस दर्द को समझ सकता है। ऐसा ही कुछ मुझ पर भी बीता जिसे मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपने करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने उसके गांव गया था। हम दोनों मुंबई की एक कंपनी में साथ काम करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गाँव से संबंध रखता था। उसके विवाह से जुड़े सभी आयोजन वही गांव में ही होने थे, इसलिए उसकी शादी से 3 दिन पहले ही मैं वहां जाने के लिए निकल पड़ा। जब शाम का वक्त हुआ तो मैं अपने घर से निकला और फिर एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते ही मुझे धीमे धीमे अंधेरा का सामना करना पड़ा। पहली बात, मैं अपने दोस्त के उस शहर को ठीक से जानता तक नहीं था, लेकिन मैं इस बात को अपने दिमाग में सेट करके निकल पड़ा कि वहाँ पर जाने के बाद किसी से पूछ लूँगा। फिर जब मैं एयरपोर्ट पर पहुँचा तो सबसे पहले मुझे जयपुर में उतरना पड़ा। जयपुर से ही मेरे दोस्त का एक गांव पड़ता था जिसका नाम हीरापुर था। हीरापुर वहां से तकरीबन 51 किलोमीटर की दूरी पर था और इस समय रात के 12:30 बज रहे थे। चारों तरफ जोरदार अंधेरा अपने विकराल रूप के साथ छाया हुआ था और आज अंधेरा इस कदर छाया हुआ था कि सामने का नज़ारा भी बिना लाइट के देख पाना नामुमकिन था। और फिर इसी बीच जयपुर एयरपोर्ट पर भटकते हुए मेरी नज़र एक टैक्सी वाले पर पड़ी, तो मैं उसके पास पहुंचा और बोला, भाई साहब आप हीरापुर गांव चलोगे क्या? उस टैक्सी ड्राइवर ने अपने मुंडे हाँ में हिलाई और फिर मुझे टैक्सी के अंदर बैठने को कहा। लिहाजा मैं उस टैक्सी के अंदर दाखिल हुआ और फिर उसे वहां से निकलने को कहने लगा। वो टैक्सी भी धीमी रफ्तार के साथ सड़क पर चल पड़ी। हालांकि 51 किलोमीटर का यह सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। मुझे तो पहले समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी टैक्सी मुझे 51 किलोमीटर के इस दायरे को कैसे पार करवा पाएगी। फिर उस ड्राइवर ने मुझे बताया कि वो मुझे एक रेलवे स्टेशन पर छोड़ देगा जहाँ से एक ट्रेन हीरापुर के लिए रवाना होती है। खैर ये सुनकर मुझे भी थोड़ी राहत की सांस मिली और फिर मैं उस रेलवे ट्रैक का इंतज़ार करने लगा जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। और इसी तरह हम दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक ही वो टैक्सी झटका खाकर बंद पड़ गई। ये देखकर तो मेरी भी दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गईं। फिर उस टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि टैक्सी का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है और यहाँ से बस कुछ ही दूरी में बगल वाली साइड में एक पेट्रोल पंप पड़ता है। फिर वो ड्राइवर वहाँ से पेट्रोल लाने के लिए जाने वाला है। फिर वो ड्राइवर वहाँ से पेट्रोल लाने के लिए निकल गया। फिर मैं उस टैक्सी से नीचे उतर गया और उस वक्त मुझे उस टैक्सी के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, जिस वजह से मैं इधर उधर टहलने लगा। बाद में मैंने सोचा कि जब तक वो ड्राइवर पेट्रोल लेकर पहुंचता है तब तक तो मैं काफ़ी सारा रास्ता तय कर लूँगा। और फिर यही सोचकर मैं चुपचाप सामने की ओर का रास्ता काटने लगा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चल रहा है। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा कोई छोटा मोटा वहम होगा। और वैसे भी हम जैसे नौजवान कहाँ भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास रखते हैं, मगर आज ये मेरा वहम खत्म होने वाला था क्योंकि कॉल रिसीव करते वक्त मेरी नज़र फ़ोन पर थी जिस समय मेरे दोस्त आंसू ने फ़ोन किया था। आंसू मुझसे बोल पड़ा, अरे भाई तू अब तक कहाँ पहुँचा है, घर नहीं आया? तो मैंने भी उसे जयपुर एयरपोर्ट से लेकर टैक्सी ख़राब होने तक की पूरी कहानी बताई। तो आंसू मुझ पर गुस्से से चिल्लाते बोला, भाई तू पागल है क्या, तुझे पता है तू किस रास्ते पर चल रहा है? आंसू के इतना बोलते ही मेरा फ़ोन एकदम से बंद हो गया। दरअसल मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी थी, एक गलत समय पर फ़ोन भी धोखा देकर बंद हो चुका था। इससे पहले ही मैं भूतों के खिलाफ अपने दोस्त को ये बोल चुका था कि यह सब चीज़ें बस एक मनोरंजन का जरिया होती हैं जो गांव के लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं। दोस्तों कभी कभी कोई ना कोई मजाक हमारी ज़िंदगी में हमारे ऊपर भारी पड़ ही जाता है और कुछ ऐसा ही थोड़ी देर के बाद शायद मैं भी देख सकता था। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि मेरी आंखें मेरे साथ साथ चल रही एक कन्या पर टिक गई, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरे कदम से कदम मिलाकर वो चले जा रही थी। पहले तो काफ़ी हैरान था मैं कि आखिर ये लड़की इतनी रात पर यहाँ पर क्या कर रही होगी।
फिर वो लड़की मुझे पूछते हुए बोली, आप इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे हो? तो मैंने भी उसे पूरी बात बताई। फिर मैंने भी उसी सवाल को उस लड़की के सामने दोहराया कि आप देर रात भर इस सुनसान इलाके में क्या कर रही हैं। तो वो लड़की बोल पड़ी, मैं तो अक्सर इस इलाके में घूमती रहती हूँ। खैर आगे मैंने भी उससे कोई और सवाल पूछना ठीक नहीं समझा और फिर चुपचाप आगे की ओर अपने कदमों को पटकने लगा। फिर एक हवा का तेज सा बवंडर मेरे चारों तरफ चक्कर सा काटने लगा, मानो ये कोई जिंदा बवंडर है। अभी हम दोनों एक दूसरे के बारे में यूं ही बातें कर रहे थे कि मुझे उस हाईवे से सटा हुआ एक बड़ा सा पेड़ दिखा। उस पेड़ की लंबाई और चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा थी और उसे देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा था मानो कि ये पेड़ काफ़ी सालों से वीरान पड़ा हुआ हो। इससे पहले कि मैं उस पेड़ की कोई चर्चा छेड़ पाता कि उस पेड़ के पास मुझे तीन से चार औरतें खड़ी हुई दिखी, जो काफ़ी देर से किसी पत्थर की मूर्ति की भांति एक ही जगह पर स्थिर थी और दूसरी ओर उस टैक्सी चालक का अभी तक कोई ठिकाना ना था। फिर मैं अपना फ़ोन निकालते हुए उस पेड़ की तस्वीर क्लिक करने लगा, मगर उस लड़की ने पेड़ की तस्वीर खींचने से साफ साफ मना कर दिया। उस लड़की का कहना था कि यहाँ कुछ अदृश्य आत्माएं निवास करती हैं और उन अशांत आत्माओं का क्रोध उस वक्त ज़्यादा बढ़ने लगता है जब कोई उन्हें कैमरे में कैद करना चाहता हो। मगर मैं भी अपनी शरारतों को अंजाम देने से नहीं डट पाया और एक तस्वीर मैंने अपने कैमरे के अंदर कैद कर ही ली। काफ़ी वक्त बीत चुका था लेकिन उस टैक्सी चालक का अभी तक कोई नामो निशान तक नहीं था। मैं इसी सोच में था कि तभी मेरी नज़र मेरे फ़ोन पर पड़ी जहाँ से मैंने उस पेड़ की तस्वीर को क्लिक किया था। तो मैंने देखा कि उसके अंदर उस पेड़ की जगह काफ़ी सारी औरतों का एक झुंड नज़र आ रहा था और उस झुंड में कई औरतों के हाथ पैर मौजूद ही नहीं थे। खैर मुझे ज़्यादा डर तो नहीं लगा, मगर कहीं ना कहीं मुझे इन चीज़ों के ऊपर विश्वास नाम का एक शब्द लागू होने लगा। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था कि वो बड़ा और विशाल सा दिखने वाला वृक्ष एकदम जोर जोर से हिलने लगा। उसकी शाखाएं तेजी के साथ इधर उधर डगमगा रही थी, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि उस समय हवा का वेग भी मौजूद ही नहीं था। फिर भी उसके बावजूद उस पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिले जा रही थी। ये सब बेहद ही अजीब था। फिर मैं उस लड़की से पूछते बोला, अरे मैडम जी, ये पेड़ अपने आप ही जोर जोर से क्यों हिल रहा है? लेकिन मेरे इस प्रश्न पर उस लड़की का कुछ जवाब नहीं आया। तभी मैं उस लड़की की तरफ देखने लगा, लेकिन इस बार वहाँ पर कोई लड़की नहीं थी। मेरी आंखें इस वक्त हैरान के साथ साथ दहशत का एक दूसरा रूप भी देख रही थी जो अदृश्य थी और अभी तक उस ऑटो ड्राइवर का कोई ठिकाना ना था। पहले तो मेरी आंखें उस ऑटो ड्राइवर की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, मगर बाद में जब मुझे लगने लगा कि अब वह ऑटो ड्राइवर भी इस सुनसान इलाके को छोड़कर जा चुका होगा, तो मैं यही सोचकर अपने रास्ते की ओर बढ़ने लगा। अभी भी रेलवे स्टेशन का आना बाकी था। इससे पहले कि मैं थोड़ा और आगे बढ़ पाता, उस सड़क के बाईं तरफ एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर हीरापुर नामक एक नाम भी लिखा हुआ था और उसके अगल बगल में और भी काफ़ी सारे गाँव के नाम लिखे हुए थे। और अब मैं भी समझ चुका था कि इस जगह से रेलवे स्टेशन की दूरी ज़्यादा नहीं होगी। और फिर मुझे अपने पीछे की ओर से एक हल्की आवाज़ सुनाई दी कि अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना मौत आपका इंतज़ार कर रही है। मैं पीछे पलट गया और जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे की ओर वही लड़की खड़ी थी जो कुछ देर पहले ही मेरे साथ चल रही थी। लेकिन अब उस लड़की का मासूम सा चेहरा खामोशी में डूबा हुआ लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस लड़की ने किसी अपने को खोया होगा और उसका गम उसके चेहरे पर झलक रहा था। पर मैं उस लड़की की बातों को अनसुना करने के बजाय उस रेलवे स्टेशन की तरफ अपने कदम तेजी से बढ़ाने लगा, क्योंकि मैं इस बात से अच्छी तरह रूबरू था कि रेलवे स्टेशन पर मुझे कोई ना कोई इंसान तो ज़रूर मिल ही जाएगा, और जिस वजह से मेरे अंदर मौजूद डर कम होने लगा। और फिर मेरी नज़रें उसी बोर्ड के जस्ट नीचे की ओर लिखे गए एक शब्द पर पड़ी, तो मैंने पाया कि उस बोर्ड के ऊपर रेलवे स्टेशन की दूरी 2 किलोमीटर लिखी हुई थी, मगर जो ट्रेन स्टेशन पर दाखिल होने वाली थी उसका निर्धारित समय 1 बजे का था। चूँकि 1 बजने में अब काफ़ी कम समय बचा हुआ था, तो मुझे जितना जल्दी हो सके उस स्टेशन पर पहुँचना था, जिस वजह से मैं और भी तेज़ रफ्तार के साथ उस स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। अभी भी मेरे दिल में
उसी ऑटो चालक की उम्मीद बची हुई थी कि शायद वो कहीं से इस सुनसान और वीरान पड़े इलाके में टपक जाए, मगर अभी तक मेरे आगे या पीछे कहीं भी किसी भी साधन का कोई नामो निशान तक नहीं था। घर में अपने कदम तेजी से बढ़ाता रहा और फिर मेरी आंखें सामने की ओर गिरी कुछ लाशों पर पड़ी। दोस्तों, एक इंसान जब किसी सुनसान इलाके को पार कर रहा हो और फिर अचानक उसे कुछ मृत शरीर अपने सामने की ओर दिख जाए तो उसके अंदर क्या बीत सकती है, ये तो वही जान सकता है। दोस्तों, उन लाशों को देखकर मेरा भी शरीर थरथर कांपने लगा। इस दौर में इन सब बात को समझ पाने में नाकाम था कि इस वक्त मुझे पीछे हटना चाहिए या फिर सामने की ओर बढ़ना चाहिए। अभी भी मैं पीछे हटने की बजाय सामने ही चलता रहा। मैं अपने डर को काबू करने की अब पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन एक इंसान तब तक अपने खौफ को ख़त्म नहीं कर सकता जब तक उसके सामने से खतरा हट नहीं जाता। मेरे सामने तो दहशत की पूरी दुनिया लेटी हुई थी जो मुझे डरा देने के लिए काफ़ी थी, लेकिन पता नहीं उस वक्त मेरे अंदर इतनी हिम्मत का जन्म कहाँ से हुआ और मैं सीधा और उसी रास्ते की तरफ चलता रहा जिधर वो स्टेशन पड़ता था। लेकिन इससे पहले कि उम्मीदों का एक पहाड़ विकराल रूप धारण करता हुआ मेरे पीछे से आ टपका। दरअसल ये वही ड्राइवर था जो कुछ देर पहले पेट्रोल पंप पर चला गया था। उसे देखकर मुझे काफ़ी हद तक राहत की सांस मिली और फिर वो तुरंत ही टैक्सी लेकर मेरे पास पहुंचा और फिर मैं उसके टैक्सी में बैठकर वहां से रवाना हुआ और सही सलामत रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया। उस दिन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद उस ड्राइवर ने मुझे ट्रेन के अंदर भी पहुँचा दिया और फिर उस ड्राइवर की वजह से मैं अपनी जान बचाने में सफल रहा। दोस्तों, आज इस घटना को सालों बीत चुके हैं लेकिन आज भी मैं ये समझ नहीं पाया कि उस रात मुझे सतर्क करने वाली वह लड़की कौन थी जिसने मेरी जान बचाने में काफ़ी बड़ा साथ निभाया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, कोरोना काल के उस दौर में कुछ ही पलों ने मुझसे मेरी जॉब छीन ली थी और सऊदी अरब से मुझे घर लौटना पड़ा। दरअसल मैं सऊदी अरब में अपने सेठ के नीचे काम करता था और उनकी गाड़ी ड्राइव करता था। उस दिन जब मैं अपने घर लौटा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया है, बस मेरा घर परिवार बचा है और मेरी जॉब और सब कुछ अब मानो ख़त्म सा हो गया था। मेरी पत्नी ने मुझे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुश्किल समय है, निकल जाएगा, चिंता मत करो। जिस वजह से मुझे काफ़ी हद तक संतोष मिला और अब तकरीबन 10 से 11 दिन बीत गए होंगे और उसके बाद मुझे एक कंपनी में काम मिल गया जहां पर मुझे डिलीवरी करनी थी, यानी कि खाने पीने की चीज़ें इस कोरोना काल में लोगों के घर पहुंचानी थी। जब इस ऑफर के लिए मैंने अप्लाई किया तो मुझे कंपनी वालों ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। ताजुब की बात तो ये थी कि उन्होंने पहली बार में ही मुझे सिलेक्ट कर लिया, ना ही उन्होंने मुझसे कोई सवाल पूछे और ना ही मुझसे ड्राइव करवाया। इस बात ने मुझे काफ़ी हैरत में डाल दिया था, लेकिन जॉब की ज़रूरत तो थी मुझे, इसलिए मैं थोड़ा खुश होकर अपने घर लौटा और दूसरे दिन से काम करना शुरू करना था। और मुझे डिलीवरी पहुँचाने वाले कपड़ा भी दे दिए गए, साथ ही एक बाइक भी दी उन्होंने मुझे। पहली रात जब मैं डिलीवरी करने के लिए निकला था तो मुझे एहसास नहीं था कि मैं एक अकेला डिलीवरी बॉय हूँ जिसको पूरी रात डिलीवरी करनी है। लेकिन उस कंपनी की रकम भी महीने की अच्छी खासी थी तो मैं काम के लिए मना करने के बारे में सोच भी नहीं सका। और फिर मैंने एक पहली डिलीवरी पूरी की। डिलीवरी को पूरा करने में मुझे कोई मुसीबत तो पेश नहीं आई और साथ ही मुझे ये काम थोड़ा ठीक ठाक भी लगा। हालांकि ठंड के मौसम में बाइक पर इतनी देर चलना इतना आसान भी नहीं होता था। सुबह के लगभग 5 बजे के बाद मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाता और मैं घर लौट जाता। रात भर की नींद की वजह से मैं सुबह सो जाता और शाम को उठकर वापस से नौकरी पर लग जाता। 5 से 6 दिन ऐसा ही चलता रहा, लेकिन शनिवार की रात जिसने मुझे पूरी तरह से ही हिला कर रख दिया था। ये शनिवार की रात थी जब मैं रोज़ रोज़ की तरह बाइक लेकर डिलीवरी के लिए निकला था। रात का समय होने के कारण आज ठंड भी कुछ ज़्यादा थी और धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जा रही थी, तो पूरी रात डिलीवरी करनी थी। पहले डिलीवरी का एड्रेस रंगोली नगर था। रंगोली नगर का ये गांव हमारी दुकान से काफ़ी दूरी पर था। मुझे उस गांव में पहुंचते पहुंचते तकरीबन 1 घंटा लग गया। यह अब तक की सबसे लॉन्ग डिलीवरी थी, लेकिन हैरानी तो मुझे इस बात की हो रही थी कि इस गाँव के अंदर काफ़ी सारे मकान ऐसे थे जिनके आगे ताला लगा हुआ था।
शायद सभी लोग घर को छोड़कर खेत में जा चुके थे। जिस घर का मुझे एड्रेस मिला था, जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि बाहर पैसे रखे हुए थे और एक कागज पर लिखा हुआ था, खाने के बॉक्स को यहीं पर छोड़ दो। मैंने तुरंत ही वहां से पैसे उठाए और निकलने लगा, लेकिन तभी मेरी नजर उस दरवाजे पर पड़ी तो ऐसा लग रहा था मानो दरवाजे के भीतर किसी के दो पैर नजर आ रहे हैं। मैंने दरवाजे को हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे याद आया कि हमें बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी की परमिशन लिए किसी के घर का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। तो फिर मैंने तो अपने कदमों को वापस मोड़ लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यहाँ कोई लफड़ा हो जाए। जब मैं वहां से निकल रहा था तो किसी के खिसकने की आवाज आई, और उस आवाज को सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन फिर मैंने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया और बाइक पर बैठकर वापस निकल गया। पता नहीं क्यों, लेकिन आज जो चीज मैंने महसूस की थी वो आज से पहले मेरी जिंदगी ने मुझे कभी भी महसूस ही नहीं करवा पाई। एक अजीब सा डर था तो मैंने इसको नजरअंदाज कर दिया, और उस पूरी रात मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात चलती रही कि आखिर उस घर के अंदर क्या था और क्यों बार बार मुझे उस घर की एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो पूरी रात गुजर जाने के बाद भी सुबह होते ही मुझे अपने शरीर पर एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, और फिर मैं खाना खाकर सो गया। दिन कटा और फिर से टाइम हुआ नौकरी पर जाने का, लेकिन शनिवार की रात को जो मैंने महसूस किया था अभी भी वो मुझे कोई नॉर्मल चीज़ नहीं लगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि आज फिर मुझे उसी एड्रेस पर डिलीवरी करनी है, तो मैं तो एकदम से डर सा गया, क्योंकि वो गांव मुझे बड़ा ही अजीब लगने के साथ साथ कुछ डरावना भी लगता था। लेकिन अब डिलीवरी मुझे सौंप दी गई थी तो मना भी नहीं कर सका। उस रात मुझे मजबूरन फिर से निकलना पड़ा, और इस बार जब मैं उस गांव में पहुंचा था तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। आज मुझे कल से भी ज़्यादा डर लग रहा था, और पहली बार जब मैंने उस घर के सामने डिलीवरी की थी तो उस घर का दरवाज़ा बंद था, लेकिन आज उस मकान का दरवाज़ा खुला हुआ था और एक लाइट भी जल रही थी। मैंने बाइक उस मकान के सामने रोक दी और बाइक से उतरकर उस खाने के बॉक्स को वहीं दरवाजे के सामने रखने लगा, लेकिन मैंने देखा कि दरवाजे के पास आज पैसे नहीं थे। तभी मुझे अंदर से एक आवाज़ आई, भाई साहब अंदर आ जाइए। अंदर की आवाज़ सुनते ही मैंने अपने पैरों को उस मकान की तरफ मोड़ दिया। भाई साहब खाना यहीं पर रख दो। ये आवाज़ उस घर की रसोई घर से आ रही थी। खाने से भरे मैंने उस टिफिन बॉक्स को वहीं उस बरामदे में मौजूद एक टेबल पर रख दिया और पैसे मांगने लगा, लेकिन फिर उस आदमी की आवाज़ आना एकदम से बंद हो गई। मकान बाहर से दिखने में तो ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन अंदर सा ऐसा लग रहा था मानो सालों से यहाँ पर साफ सफाई नहीं हुई है। उस मकान की दीवार पर धूल लगी हुई थी, मकड़ी के जाले और पूरे मकान के अंदर गड्ढे ही गड्ढे पड़े थे। कुछ देर और उस मकान में खामोशी बनी रही, फिर एक आदमी आया जिसके कपड़े फटे हुए थे, और देखने में वो आदमी किसी भिखारी की तरह लग रहा था। उस आदमी को देखते मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह आदमी एक महंगी डिलीवरी कर सकता है। तभी मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, भाई साहब आपने डिलीवरी के लिए बोला था? तो उस आदमी ने अपनी मुंडी हाँ में हिलाई, तो मैं हंसते हुए बोला, सर मुझे लेट हो रहा है, तो आप थोड़ा जल्दी करके मुझे पेमेंट कर दीजिए। मेरे इस बात पर वो आदमी थोड़ी भारी आवाज़ में बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगली बार दे दूँगा। लेकिन मैं हट करने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा कि इस आदमी के अलावा कोई और भी इस मकान में है, क्योंकि वहाँ से किसी के चप्पल की आवाज़ आ रही थी। मैंने पहले तो इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नज़र ही नहीं आया। फिर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब मुझे कंपनी को जवाब देना पड़ता है, एक एक रुपया उनको सौंपना पड़ता है, वरना मेरी जेब से लग जाता है। लेकिन उस आदमी की ओर से सिर्फ एक ही जवाब आ रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कल दे पाऊँगा। इसलिए मैं उस आदमी से थक गया था। मैंने टिफिन का बॉक्स उठाया और थोड़ा गुस्से में जवाब देते हुए बोला, तो आपको खाना भी कल ही मिलेगा। और फिर ये बोलकर मैं बाइक पर बैठ गया। बाइक पर बैठते उस मकान में से दो आदमी बाहर निकले, जिनके कपड़े भी उस आदमी की तरफ फटे हुए थे, और वो दोनों भी किसी डाकू लफंगा की तरह लग रहे थे। वो सीधे मेरे पास आए और बोले, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तभी मैंने देखा कि उस मकान के अंदर तीन लोग और भी थे, उनमें से वो दोनों तो काफ़ी देर से मुझे नजर ही नहीं आए थे। तभी वो पहला आदमी जिसने मुझे कल पैसे देने को बोला था, पर वो भी मेरी बाइक के पास आ गया, और तभी उसकी आंख चमकने लगी। उसकी लाल आंखों को चमकता देख मुझे यकीन हो गया था कि यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, और उसी समय मैंने बाइक को स्टार्ट किया और उसे भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाइक अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं खिसक पाई और एक ही जगह पर टायर घूमने लगा। तभी मैंने देखा कि
उन तीनों लोगों में से तो वो दो लोग तो वहाँ से गायब थे, लेकिन पहला आदमी अभी भी मेरी बाइक के पीछे खड़ा था और उसने बाइक को एक हाथ से पकड़ रखा था और जिस वजह से बाइक शराबी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उस आदमी का चेहरा और भी भयानक बन गया था, उसका वो खौफनाक चेहरा हर किसी को डरा दे। मेरी सांस गले से अटक रही थी। इस बार मुझे अपनी जान की परवाह थी तो मैंने बाइक को वहीं छोड़ दिया और बाइक से नीचे उतर गया और फिर पैदल पैदल वहां से भागने लगा। मुझे नहीं पता कि ये कस्बा था, लेकिन मैं किसी तरह से भागने में सफल रहा और उसके बाद हाईवे पर पहुंच गया। हाईवे पर भी गाड़ियों का आना जाना बहुत कम था और इसी बीच मैंने देखा कि कोई बाइक मेरा पीछा कर रही है। मैंने मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि ये मेरी ही बाइक थी जिससे मैं डिलीवरी करता था। सड़क पर भागना तो मौत के साथ खिलवाड़ करना जैसा था, इसलिए मैं सड़क से उतरकर उस सड़क के बगल में सटे हुए कच्चे रास्ते की तरफ भागने लगा। कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा कोई पीछा नहीं कर रहा, इसलिए मैं रुककर सांस लेने लगा। लेकिन फिर मेरा ध्यान सामने की ओर नजर आने वाले एक गाँव पर पड़ा तो मैंने देखा कि ये तो वही भूतिया गाँव था जहाँ से मैं भागा था। आगे की ओर बढ़ने के अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था तो मैं उस गाँव के अंदर घुस गया। मुझे उस गांव के अंदर जाने से डर तो बहुत लगा, मगर मैं अंदर तक चला ही गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उस भयानक प्रेत से बचने के लिए मैं कोई सही जगह देखने लगा। फिर कुछ देर के बाद मेरी नज़र एक घास फूस से बनी टपरी पर पड़ी। सही जगह देखकर मैं टपरी के अंदर चला गया जहाँ मुझे उस सुनसान जगह के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं दुबक कर एक कोने में बैठ गया। तभी किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और अपने कंधे पर हाथ रखने की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और शरीर भी मेरा कपकपाने लगा। और जब मैंने पीछे पलटते हुए देखा तो मैं बर्फ़ की सिल्ली की तरह जम गया। किसी मम्मी की तरह अपने शरीर पर कपड़ा लपेटे वो चीज़ बहुत ही डरावनी थी। मेरी जान हलक में आ गई, साथ ही मेरी आवाज़ तक मुँह से बाहर नहीं निकल पा रही थी और मैं भूतों से बचने के लिए काफ़ी दूर आ गया था, लेकिन इन प्रेतों ने मेरा पीछा न छोड़ने की कसम खा रखी थी। किसी मम्मी की तरह नजर आने वाले उस भूत को देखकर मैं तो बुरी तरह डरा सहमा वहीं पर बैठा रहा और मैंने अपने सर को अपने घुटनों में ले लिया। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने एक बार भी अपनी गर्दन नहीं उठाई। फिर कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, क्योंकि अचानक से सब कुछ सामान्य सा लगने लगा। वहाँ का माहौल सही हुआ और फिर मैंने गर्दन उठाई तो मैंने देखा कि अब वहाँ पर कोई भी नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर मौके का फ़ायदा उठाकर मैं तुरंत ही भागा और अब की बार मैं वापस से नेशनल हाईवे की ओर बढ़ गया। इसी तरह भागते भागते मुझे सड़क के किनारे एक आदमी गड्ढा खोदता हुआ दिखा। जब मैंने उस आदमी को देखा तो मुझे लगा कि ये आदमी मुझे आगे का रास्ता बता सकता है, लेकिन जब मैं उस आदमी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो एक डेड बॉडी को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। तभी उस डेड बॉडी को देखकर मुझे पूरे तरीके से विश्वास हो गया था कि वास्तव में ये पूरा इलाका ही भूतिया है, क्योंकि वो डेड बॉडी उसी आदमी की थी जो मुझे डिलीवरी करने के लिए बोल रहा था। फिर इसी बीच मेरी एक चीख निकल गई और चीख निकलने के कारण वो आदमी मुझे घूरने लगा। मैं दो कदम पीछे हट गया। तभी उस आदमी ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो सीधी सड़क की तरफ भागो, तुम्हें सामने एक मंदिर नज़र आ जाएगा और तुम्हें किसी तरह आज की रात उस मंदिर में ही रुकना है। और इतना सुनकर तो मेरे अंदर जान से आ गई, लेकिन मुझे अभी भी उस आदमी की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास कोई चारा नहीं था और मैं उसी वक्त भागा और फिर कुछ देर के बाद एक मंदिर के पास पहुंच गया। सच में वो आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा था। उस पूरी रात मैं उस मंदिर में रुका रहा जो भगवान हनुमान जी का मंदिर था। दोस्तों, उस दिन मेरी जान तो बच गई, लेकिन मैं अब डिलीवरी का काम छोड़ चुका हूँ। मुझे पता चला कि जिस गांव में मैं डिलीवरी करता हूँ वो एक भूतों का इलाका है और वहाँ इस तरह की घटनाओं का घटना एक आम बात है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय and take care.